20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय वाल्के हैप्पी होम्स। नमस्कार, स्वागत है आपका NBC न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। अभिनेता से नेता बने विजयकांत का गुरुवार को निधन हो गया। वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद सांस लेने में दिक्कत होने के चलते उन्हें चेन्नई के एक प्राइवेट अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया था। घरेलू शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी का दौर बरकरार है। बुधवार को नए शिखर पर पहुंचने के बाद आज गुरुवार को बाजार ने कारोबार की शुरुआत ही रिकॉर्ड के साथ की है। बाजार ओपन होते ही सेंसेक्स जहां 72,250 अंक के पार निकल गया, वहीं निफ्टी ने भी 21,700 स्तर को पार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि वे सभी खिलाड़ी कुश्ती छोड़कर राजनीति में जा रहे हैं और राजनीति कर भी रहे हैं। राहुल गांधी उनके साथ कुश्ती कर रहे हैं, ये खिलाड़ी नहीं करता है, ये जूनियर खिलाड़ियों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। गाजियाबाद दिल्ली NCR में सर्दी और कोहरे के स्थितम बढ़ने से स्कूलों का समय बदलने के आदेश गाजियाबाद के DM राकेश कुमार सिंह ने जारी की है। आज से स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। जो स्कूल सुबह 8 बजे से 2 बजे तक खुला करते थे, अब वह स्कूल 10 बजे से 3 बजे तक खुला करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसके लिए ट्रस्ट के सभी 15 सदस्यों को बुलाया गया है। अध्यक्ष नृत्य गोपाल दस, महासचिव चंपत राय समेत सभी सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में घने कोहरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। इस सीजन में बुधवार को सबसे घना कोहरा दिल्ली और NCR में देखने को मिला। गुना आरोन मार्ग पर एक डंपर और बस की टक्कर हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप बस में आग लग गई। लगभग 14 लोग गुना जिला अस्पताल में भर्ती है और 11 लोगों की मौत की खबर है। भारत छोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब मणिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। कांग्रेस की यह यात्रा 14 जनवरी को शुरू होगी और 20 मार्च तक चलेगी। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर उस समय निकल रहे हैं जब अयोध्या में भगवान श्री राम की मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर नागपुर में आज महारैली है, जिसमें दिग्गज नेता जुट रहे हैं और पार्टी ने महारैली के लिए तैयार है हम स्लोगन भी दिया है। महारैली के बाद खड़गे महासचिव और राज्य प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। महाराष्ट्र पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का कहना है कि वह संघ की जमीन पर BJP को कड़ा जवाब देंगे। उत्तर भारत में सर्दियों का मौसम चल रहा है और पहाड़ों पर बर्फबारी होना भी शुरू हो गई है। यही वजह है कि पर्यटकों की भारी भीड़ ने पहाड़ी राज्यों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में क्रिसमस के मौके पर 1.5 लाख पर्यटक पहुंचे। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना से 2 और लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 3 महीने बाद कोरोना से कोई मौत हुई है। इसके अलावा कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। कोरोना केसों की संख्या बढ़कर अब 87 हो गई है। वहीं 10 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 की भी पुष्टि हुई है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने PM मोदी की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बात ऐसी है कि राम मंदिर राजनीति का विषय नहीं है, यह हमारी अस्मिता और आस्था का विषय है। इस राम मंदिर के निर्माण में पूरे देश का योगदान है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस समय मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच में पाकिस्तान की टीम पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया से पीछे रहेगी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 318 रन बनाए थे, लेकिन पाकिस्तानी टीम इससे आगे नहीं जा सकी। पूरी टीम 264 रनों पर ढेर हो गई है। भारत के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक रतन टाटा आज यानी 28 दिसंबर को अपना 86वां जन्मदिन मना रहे हैं। रतन टाटा को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। सफल बिजनेसमैन होने के साथ ही वह अपने परोपकारी कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato को GST से कारण बताओ नोटिस मिला है। GST का यह नोटिस 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। 2023 में अपनी 3-3 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर कब्जा करने के बाद अब शाहरुख खान ने 2024 के लिए भी अपनी बुकिंग की तैयारी कर ली है। जी हां, अभी डंकी सिनेमाघरों से उतरी भी नहीं थी कि अगले साल के लिए किंग खान की अपकमिंग फिल्म सुर्खियां बटोरने लगी है। बताया जा रहा है कि शाहरुख फेमस फ्रेंचाइजी के सिक्वेल धूम 4 में नजर आएगी। प्रभास की सलार बॉक्स ऑफिस पर कमाई की आंकड़े लगातार तोड़ रही है। 6 दिनों में फिल्म का वर्ल्ड वाइड बिजनेस 450 करोड़ पार चला गया है। अब जल्द ही प्रभास की ये एक्शन ड्रामा 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है। वहीं इंडिया में भी फिल्म का नेट कलेक्शन तारीफ के काबिल है।
एकता कपूर के रियलिटी शो लॉकअप की ट्रॉफी जीतने के बाद अब मुनव्वर फारूकी सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 में नजर आ रहे हैं। हालांकि लॉकअप का सफर मुनव्वर के लिए बहुत आसान था। बिग बॉस के घर में हर दिन मुनव्वर नई मुश्किलों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। क्रिसमस 2023 के मौके पर पूरे कपूर खानदान ने हर बार की तरह इस बार भी खूब एंजॉय किया है। इस मौके पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था और सभी मस्ती के मूड में नजर आ रहे थे। सेलिब्रेशन के दौरान के वीडियोस और फोटोज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए हैं। अब सेलिब्रेशन के ऐसे ही एक वीडियो पर आपत्ति जताई गई है और रणबीर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। शाहरुख खान की फिल्म डंकी पूरी दुनिया में धूम मचा रही है। फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ते का वक्त बीत गया है और पहले हफ्ते डंकी 300 करोड़ के करीब पहुंचने को तैयार है। हालांकि इसकी कमाई अभी शाहरुख की इस साल रिलीज हुई दो बड़ी फिल्म जवान और पठान से कम है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इनबीसी न्यूज़। नमस्कार।